सिवनी में भाजपा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर प्रदेश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया। इस दौरान प्रदेश मंत्री कन्हैया राम रघुवंशी से जब पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव के कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सवाल किए गए तो नेताजी पत्रकार पर भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को ऑफिस में आकर इस मामले में बहस करने की चुनौती दे दी। सिवनी में भाजपा के प्रदेश मंत्री उस समय अपना आपा खो बैठे जब उनसे पूर्व मंत्री बद्रीलाल द्वारा राजगढ़ कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी के बारे में पूछा गया। कन्हैया राम रघुवंशी सवाल करने पर भड़क गए और उन्होंने पत्रकार को ऑफिस में आकर इस मामले में बहस करने की चुनौती दे दी। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार के द्वारा भू माफिया को लेकर चलाए जा रहे अभियान को भेदभावपूर्ण बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कमलनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाए और कमलनाथ को सद्बुद्धि दिलाने की बात कही। अभी ये बताइए, आपके पूर्व राजमंत्री ने एक टिप्पणी के आधार पे एक आईएएस पे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बोलिए बोलिए, समझे ना, बोलिए। वो उसके लिए कार्यालय आ जाइए, जरा बहस कर लेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये मध्य प्रदेश में जो सरकार है कांग्रेस की, ये दुर्भावनापूर्ण जो कार्रवाई कर रही है, इसी के लिए आज हमने पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन किए हैं और कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर साहब राज्यपाल महोदय को भेजेंगे और हमारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करेंगे। इसका भी हमने जो है उसमें वर्णन किया है और उनको सद्बुद्धि दे कमलनाथ जी को, और वो जो है जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं तो हमारे हमारे एक सांसद महोदय को भी जवाब चाह रहा हूं आपका, वरिष्ठ अधिकारी निकाला गया है सीहोर से। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।